The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ऐसे टेस्ट के बारे में जिसने दुनिया हिला के रखी है। जी हाँ, ये टेस्ट जो है ये दुनिया हिला के मतलब इंडिया हिला के रखा है और सारी डेवलपिंग कंट्रीज को हिला के रखा है, क्योंकि ये भाई साहब हर फीवर में किया जाता है और हर फीवर में पॉजिटिव आता है और सारी दुनिया जो है सारा दारो मदार इसी के बेसिस पे टाइफॉइड घोषित कर दिया जाता है। इस टेस्ट का नाम है विडाल, और विडाल भाई साहब एक जो इसके जिसने आविष्कारक है, इन्वेंटर है, उनके नाम पे रखा गया है, जो जॉर्ज फर्नांड विडाल भाई साहब, जिन्होंने ये एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है एंट्रिक फीवर के लिए या फिर अंडुलेंट फीवर के लिए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जहाँ पर क्या होता है वे जहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं, टाइफॉइड बेसिकली इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, साल्मोनेला, साल्मोनेला, और ये बैक्टीरिया जो टाइफॉइड बुखार करता है, इसको एक दूसरे सीरम के साथ, सीरम मतलब ब्लड में से सेल्स निकाल के उसमें सीरम आएगा, उस सीरम में जिसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है जो कि किसी दूसरे इन्फेक्टेड आदमी से निकाली गई है, उससे मिला के देखा जाता है। तो ये देखा जाता है उसमें अगर साल्मोनेला है तो ये एंटीबॉडी जाके उससे अटैक करेगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जहां पे पॉजिटिव है वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये कितने टाइटर में पॉजिटिव है, क्या है क्या नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ट्रिकी है, वो बहुत केयरफुली किया जाना पड़ता है, क्योंकि आपने अगर टाइफॉइड की वैक्सीन भी ली है तो भी ये पॉजिटिव आएगा, आपके अंदर पहले कभी टाइफॉइड हुआ था रिसेंटली तब भी ये पॉजिटिव आएगा, और आपके अंदर अगर मान लीजिए आप किसी एंडेमिक वर्ल्ड में रहते हो जहां टाइफॉइड है, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां टाइफॉइड बहुत फैलता है, आप स्लम्स में रहते हो ऐसी जगह पे जहां पर टाइफॉइड क्योंकि फीको ओरल रूट से फैलता है और वो ऐसे अनहाइजीनिक सिचुएशंस में खूंखार तरीके से फैलता है, और अगर वहां रहते हो तो आपको वो होता ही है, वो आपके अंदर गया या आपके शरीर ने उसको मार भी दिया तो भी आपका विडाल पॉजिटिव आएगा। सो टेस्ट नीड्स टू बी इंटरप्रिटेटेड, बहुत बहुत जरूरी, और इस तरीके से बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आते हैं। लिटरली हर तरीके के बुखार में आपको हो सकता है, कुछ दिन पहले आपके अंदर टाइफॉइड बैक्टीरिया आया था, आपके शरीर ने उसको मार दिया, अब फिर भी आपके अंदर वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब आपके अंदर दूसरा वायरस आ गया, कोरोना वायरस, अब टेस्ट किया तो विडाल भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। दूसरा कौन सा टेस्ट है विडाल का जो टाइफॉइड का, वो है टाइफी डॉट। टाइफी डॉट इज अनदर टेस्ट विच इज यूज फॉर द टू असर्टेन, पहला मतलब पक्का पक्का डायग्नोसिस करने के लिए टाइफी डॉट है, जो कि हमें टाइफॉइड फीवर के लिए करा जाता है, ये भी सीरोलॉजिकल टेस्ट है। एंड और समझने वाली बात यह है कि टाइफॉइड का टाइफी डॉट या विडाल, ये दोनों के दोनों जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एंटीबॉडी लेवल बढ़ना चाहिए, मतलब अगर हम ये माने कि आपको टाइफॉइड हुआ है और आपका टाइफॉइड होने के बाद आपको आपके अंदर एंटीबॉडी बनेगा, आपकी शरीर खुद बनाएगी उसके खिलाफ, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहा है, सो आपके अंदर एंटीबॉडी बनेगी विडाल टाइफी डॉट से, तो टाइफी डॉट में IgM IgG ये दो नाम की एंटीबॉडी चेक की जाती है, इसको बनने में 7 से 14 दिन लगेंगे, मतलब आज अगर बुखार हुआ है तो 7 दिन बाद जब करेंगे, 14 दिन बाद करेंगे, तब जाके टाइफी डॉट IgM IgG पॉजिटिव आएगा। मतलब किसी को 7 दिन से 14 दिन से बुखार है तो उसका करना बनता है कौन सा, टाइफी डॉट IgM या IgG। तो इसीलिए जो मेन टेस्ट होता है जो दुनिया भर में यूज होता है वो होता है ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर किया जाता है या फीकल कल्चर किया जाता है, ब्लड का, यूरिन का या लैटरिन का, फीसेस का कल्चर किया जाता है, जिसमें से फिर साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया जो है, साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी ग्रो करा जा सकता है, उससे फिर पता चलता है हाँ इस इंसान को जो है टाइफॉइड ही है। सो अब हम बात कर रहे हैं विडाल की, विडाल पॉइंट में इतना है, विडाल अगर टेस्ट पॉजिटिव है मतलब उसमें आता है TO और TH,
TOTH हम देखते हैं और टाइटर देखते हैं 1:160, 1:380, 1:160, ऐसा हम टाइटर देखते हैं। तो ये क्या है? अगर टाइटर आपका विडाल में टीओ एंटीजन है तो उस टाइटर का 1:160 से ऊपर है तो उसको एक्टिव इन्फेक्शन बोला जाता है। और अगर टी एच टाइटर 1:160 के ऊपर है तो वो पास्ट इन्फेक्शन है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। टी एच एंटीजन अगर ज्यादा है तो वो IgG एंटीबॉडी के जैसा है, वो पास्ट इन्फेक्शन बताता है, इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइज्ड पर्सन का बताता है, और टी ओ बताता है एक्टिव इन्फेक्शन का। लेकिन अगेन, इसका सिंगल टेस्ट, एक अकेला विडाल टेस्ट का कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है, वेरी लिटिल क्लिनिकल रेलेवेंस, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां पर जो टाइफॉइड है वो फैलता ही फैलता है, जैसे इंडिया, इंडिया के सारे एरियाज में, चाहे वो इंडिया में ले लो या अफ्रीका में ले लो या साउथ ईस्ट एशिया में ले लो, खूंखार तरीके से टाइफॉइड फैला है। तो वहां पर रिकरेंट एक्सपोजर होता रहता है टाइफॉइड बैक्टीरिया का आपका, या तो इन्फेक्शन से, या वैक्सीन से, या फिर इन्फेक्शन से, फिर इन्फेक्शन से। तो इसलिए वेरी वेरी हाई चांसेस होते हैं इसके क्रॉस क्रॉस रिएक्शन से। मतलब हो सकता है आपको बुखार जो हो रहा है मलेरिया की वजह से हो रहा है और आप टाइफॉइड का ट्रीटमेंट कर रहे हो बिकॉज आपका टाइफॉइड विडाल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन जो मेन चीज मैटर करती है इसमें होता है इंक्रीजिंग टाइटर। मतलब अगर आपने पहले विडाल किया, फिर से विडाल किया, फिर से विडाल किया, अगर कोई और टेस्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास, सीरोलॉजिकल टेस्ट, टाइफी डॉट का टाइम नहीं है, 2 हफ्ते हुए नहीं है, ब्लड कल्चर करा नहीं है, पहले ही एंटीबायोटिक खा लिया था और पता ही नहीं है कुछ और, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड बार और थर्ड बार विडाल करके देख सकते हैं। अगर 4 गुना इंक्रीज हो रहा है टाइटर, मतलब पहली बार आया था जो TO 1:40, दूसरी बार आया 1:640, बहुत ज्यादा टाइटर आ गया दैट, या फिर ये इसको बोलते हैं कि ये एक इंफेक्शन है। राइजिंग टाइटर इन टाइफॉइड इज इक्विवेलेंट टू एन एक्टिव टाइफॉइड इंफेक्शन। So, अकेले विडाल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कोई मेरे पास आता है अकेले विडाल, हम उसको सीधा बाजू पे, कोई बात नहीं, विडाल को छोड़ दो, ऐसा करो, कितने दिन हो गए, इतने, तो टाइफॉइड का टेस्ट, टाइफी डॉट कराओ, ब्लड कल्चर का तो कायदे से कोई भी एंटीबायोटिक लेने से पहले का रोल है कि पहले ब्लड कल्चर, बिकॉज क्या होता है, आपने पहले एंटीबायोटिक ले लिया, कोई भी ले लिया, डॉक्टर ने कहा ये जाओ खाओ, फिर कल जाके ब्लड टेस्ट दोगे, तो आज एंटीबायोटिक लिया वो रात भर में एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियाज का नंबर इतना कम कर देता है कि कल्चर में जहां से आपने जरा सा 2 ml ब्लड लिया, 1 ml ब्लड लिया, उसमें बैक्टीरिया आएगा नहीं आएगा, आएगा भी तो जिंदा आएगा, कह नहीं सकते, फिर कल्चर करेंगे तो जिंदा मरा हुआ बैक्टीरिया ग्रो थोड़ी करेगा, राइट? सो इसलिए फिर ब्लड कल्चर आपका नेगेटिव आता है अगर आपने पहले ही कोई भी एंटीबायोटिक ले लिया, क्योंकि ऑल्दो विडा टाइफॉइड जो है बैक्टीरिया बहुत आसानी से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना है, विडाल टेस्ट अगर होता है तो वो होना चाहिए रिपीटेड, और अकेले विडाल पे भरोसा करना ही नहीं, पेशेंट के क्लिनिकली देखना होता है कि उसका कैसा दिख रहा है, वो विडाल या टाइफॉइड जैसा है इन्फेक्शन, मलेरिया जैसा है वो इन्फेक्शन, कोरोना जैसा है वो, क्या है, राइट? वो पेट में इन्फेक्शन है, वो किसी भी फीवर में आप पकड़ के करोगे, विडाल पॉजिटिव आने के चांसेस हैं ऐसे एंडेमिक रीजन में। इसके अलावा दूसरे टेस्ट याद रखिए, टाइफी डॉट, IgG, IgM, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी, और एक और अभी नया टेस्ट आया है जो है ट्यूबेक्स। ट्यूबेक्स वैसे टेस्ट है पर वो रेकमेंड नहीं किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, टाइफॉइड के लिए एक अलग से है, न्यू सीरोलॉजिकल टेस्ट, ट्यूबेक्स, जस्ट फॉर द नेम आपको बता रहे हैं। तो विडाल के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि विडाल का भरोसा ना करें जब तक के लिए राइजिंग टाइटर ना आए, 4 गुना राइज हो रहा है अगर, मोर देन दैट देन इट इज सिग्निफिकेंट और एल्स नो। सो विडाल कर चुके हैं, फिर से करो, ठीक है, इस बार विडाल करो, और 7 से 14 दिन हो चुके हैं बुखार के चालू होते, तो इस बार आप करिए टाइफी डॉट, IgG, IgM भी। ऑलराइट, आई होप दिस सॉल्व द क्वेरी अबाउट विडाल। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।